ये चैलेंज टफ का टफ हो रहा है, ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं बड़े अमेजिंग जगह पे जिसका नाम है मैक्लोडगंज और हम जा रहे हैं सीधा पहाड़ों में। बट वेलकम टू न्यू व्लॉग, न्यू डे, अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड रियली बाइस। या सुबह सुबह आप तैयार होते हो और आप अपना बैग पैक करते हो, एक्साइटेड होते हो और बोलते यार अब तो मैं जा रहा हूँ, आज तो वैसे वाली फीलिंग है मेरे अंदर। और अभी हमने टैंक फुल करा दिया कार का और हम जा रहे हैं पहाड़ों में। काफ़ी टाइम हो गया कि मैं पहाड़ों में नहीं गया, तो आई टाइम इस टाइम की मैं जाऊँ और थोड़ा फन करूँ यार। भैया टैंक फुल कर देना। गाइस टैंक फुल हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं। व्हाट्सअप अमन। तो गाइस हमारा बैग पैक हो गया, ये फिलहाल गिटार है, तो ये मेरा सामान है और हम जा रहे हैं आज पहाड़ों की तरफ। गाइस इससे गाड़ी नहीं चढ़ी ऊपर, आज हमने गाड़ी मुड़ा ली है। बड़ा ट्रेन माजगर्दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तम तो, अरे तम तो बड़े है ड्राइवर भाई। थैंक यू भैया गाड़ी मोड़ने के लिए, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। अभी से गाड़ी चढ़ने रही है और हम वापस जा रहे हैं बड़े रास्ते से। मैक्लोडगंज सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, 2 किलोमीटर गाड़ी तो चली नहीं, उससे गाड़ी की क्लच उड़ गई। अब क्या क्लच प्लेट नहीं उड़ी यहाँ पे बेटा, तुम्हें चलाना ही नहीं आती है। लंबा रास्ता लेके मतलब जहाँ से हम 2 किलोमीटर दूर थे, अब हमें वापस जाना है 3-4 किलोमीटर नीचे, तो 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। ऑल क्रेडिट गोज टू अमन। अब मास्क लगा के छुप जा भाई, अब लगा के रखियो, अब नहीं होता, शर्म वाला मास्क है। कैसा है बचपन के दोस्त कॉलेज के? गाइस मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली इसने एक चेकिंग किया जहाँ पे रोडीज का चेकिंग, हम चंडीगढ़ में रोडीज का ऑडिशन दे रहे हैं। हमने बोला झूठ कॉलेज में, हमारा फर्स्ट ईयर का टाइम था, फर्स्ट ईयर में हमने डिसाइड किया कि हमने सबको झूठ बोला कि भाई हम रोडीज के ऑडिशन के लिए जा रहे हैं और ये मेरे रूम में आके 2 दिन रहा, अगले दिन हम चले गए कॉलेज और हम 2 दिन कॉलेज नहीं गए थे। आपको बोला कि हम रोडीज के ऑडिशन में, नहीं 2 दिन कॉलेज नहीं गए, मेरे रूम में रुके थे। अरे देखो अगले दिन गए। लास्ट ईयर तक ना सबको ये लगता था रोडीज गए, मेरे से कंफर्म किया मैं रोडीज हो गया था पहले, क्या तो नहीं। और हमने वहाँ पे आके झूठ बोला कि गाइस हमें तो पता ही नहीं था वहाँ लाइसेंस भी चाहिए, हमारे पास लाइसेंस था नहीं इसलिए हमने अंदर ऑडिशन दिए नहीं। पर इसलिए अभी मुझे भेजा दिखाना, मुझे बोला रोडीज का और चेक इन दिखाना, तूने मुझे भेजा था अभी नहीं भेजे, देखो उसने मुझे ना लोकेशन में भेजी है। निखिल खजूरिया एंड अरुण शर्मा इज एट सेक्टर 5 पंचकुला, यहाँ कभी ऑडिशन नहीं हुए रोडीज रोडीज के 2013 नवंबर। अरे यार आई स्टिल रिमेंबर, ये कॉलेज के टाइम केटिना के क्या बोला था यार, मेरे पास लाइसेंस था इसके पास नहीं था, मेरा अभी तक नहीं बना है, करने रही है मेरा। तो गाइस ये अभी फिलहाल कॉलेज का यहाँ जॉब कर रहा है मैक्लोडगंज में, हमारा प्लान था ब्रेकफास्ट का बट हम लेट हो गए, इसको अभी ऑफिस जाना है, तो ही इज गोइंग, सो अभी शाम को मिलने आएगा ना तू? या। चल शाम को मिलते हैं, चल ओके गलू। ओके टेंशन नहीं अंकल यार, गाइस इनकी गाड़ी बंद हो गई है तो हमने भी गाड़ी निकाल दी है, मैं चला हेल्प कर दे। आगे ठीक है, गुड। गाइस अभी हम ट्रैक कर रहे हैं और फिलहाल होटल में चेक इन किया, मैंने भी हल्का सा ब्रेकफास्ट किया है, मेरा एक ऑडिशन भी है, मैं उसकी भी तैयारी करने वाला हूँ, तो सोचा आगे पहाड़ों में बैठ के थोड़ा सा स्क्रिप्ट को याद करूँगा। फिलहाल मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये मेरा दोस्त है यार बचपन का, ओहो हेलो बोल दे फिर से। हेलो। तो गाइस ये है पहाड़, तो फिलहाल ये ट्रैक है, ये अभी हम ट्रैक करने जा रहे हैं, तो अभी हम अंदर जाके थोड़ा आगे जाके कोशिश करेंगे आपको वाटरफॉल दिखाएं, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, ऐसे पहाड़ों के मजे लो यार। और अमन ने मुझे एक चैलेंज दिया हुआ है जो हमने अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे थे, तो ये कह रहा था ये कर ले ब्लॉग के लिए, तो मुझे लगा यार वो तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है, रिसेंटली आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा वो चैलेंज मुझे करते हुए, बट वो वाला पानी और इस पानी में काफ़ी फर्क है, आपको हिंट मिल ही गया होगा, तो मैं कर लूँगा। बट यू कैन डू इट मैन। अरे यार ये बस ऐसी बातें करता है, हमेशा डिस्करेज करता है, डीमोटिवेट करता है, आपका एक दोस्त होगा जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करता है, ऐसा अगर दिखता है तो प्लीज उसको ब्लॉक कर दो। रास्ता इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको,
इन वादियों हूँ मैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। देखो गाइस मैं तो ट्रैक ऐसी जगह करता हूँ जहाँ पे कोई ना आता हो, पर आगे यहाँ बड़ी खूबसूरत सी एक शॉप है और वहाँ पे हम चाय पियेंगे, चैलेंज करते हैं आगे जाके। हाँ, दो कप चाय बिना चीनी के। ये है फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब ये नहीं है फाइनल डेस्टिनेशन, ये जस्ट अ पॉइंट है जहाँ पे हॉल्ट है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे अपने जो भी है, व्हाटएवर वी गोइंग टू डू। तो मैं आपको दिखाता हूँ करने क्या वाले, सो यू रेडी? इसने क्या चैलेंज, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जाएंगे। सो गाइस ये है पानी, अगर आपको दिख रहा है ये आ रहा है ऊपर से, जहाँ बर्फ दिख रही है आपको वहाँ से, पहाड़ों से आ रहा है, तो पीछे पहाड़ है तो वहाँ से ये पानी आ रहा है ठंडा, लाइक इट्स लाइक स्नो वाटर। And he wants me to jump into it. It's a challenge. Warming up for the challenge. I don't know guys, but I'm very excited. कि challenge excited है, मैं बड़ा excited हूँ challenge को लेके, और I'm fully warmed up. अभी थोड़े से push up लगाऊंगा, थोड़ा squats लगाऊंगा. So guys, we are super duper ready for this. और पानी की आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो, but पानी काफ़ी गहरा है और I'm gonna jump. So I am super excited for it और I'm super feeling cold, अभी मुझे ठंड लग रही है, पर करते हैं ये चैलेंज तो करना है। ये लिटरली ठंड है यार, थोड़ा तो होगा, ठीक है छोड़े यार, कोई बात नहीं छोड़े यार, कोई बात नहीं, तेरा भाई गिव अप नहीं करता इन चीजों पे, ठंडा वंडा ठीक है, एक जंप मारनी है, चैलेंज पूरा करना है ना। इससे डर लग रहा है, एक बार फिर से सोच ले। रियल रिएक्शन, ये मैंने साइंस से पढ़ा था हमने कि ठंडे पानी के बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरी पूरी जो ना इलेक्ट्रिसिटी फील हो रही पूरी बॉडी में। शी इज फकिंग डेंजरस यार, डोंट ट्राई दिस एट होम। क्या होम हाँ, अब हम खाएंगे चाय वाय पिएंगे, देख क्या चैलेंज हो गया पूरा, तेरा भाई नहीं करता गिव अप। ओके गाइस बाय। सो गाइस एक फकअप हो गया, मेरे गले में एक सेंटिमेंटल वैल्यू है मेरी इस चीज़ के लिए, बुद्धा का एक गले में डालता हूँ, वो मुझसे गिर गया, मतलब जब जंप किया, अगर आप जंप पे देखोगे तो मैं आ रहा हूँ, वो नहीं है मेरे साथ, आई फिगर्ड आउट वो पानी के अंदर है, वो पानी काफ़ी ठंडा है, तो मैं ना डिप अगेन एंड वो ना फिगर आउट कि मिल जाए, एंड होपफुली मिल जाएगा। मैं फिर से जा रहा हूँ पानी के अंदर, ये चैलेंज टफ का टफ हो रहा है, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, मेरी वॉट लग रही है यार, ऑल सेट, बाल सूख गए थे, अच्छी सही हो गई थी, वरना अभी टूट गया है, डिप इज़ वेरी गुड। Insanity. Mila?
रहने दे सके, रहने दे फिर आजा, रहने दे, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ यार। एक्चुअली कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी और हम दिखा नहीं पाए आना जाना, और यहाँ बहुत दिक्कत है चार्जिंग पे। अभी फिलहाल मैं आपको सुबह सुबह अपने दोस्त से मिलाया था, तो वो दोस्त मेरे साथ है अभी, तो मैं आपको से ओहो वीडियो बना रहा है मेरी। सो गाइस इज केटी, हम इसको प्यार से केटी बोलते हैं, प्यारा नाम है निखिल, ये कठुआ से हैं, अगर जम्मू के इलाके से, यहाँ पे ये हमारे अकाउंट ऑफिसर है PWD में, और आज डिनर हो रहा है, अमन इज देयर। आज हमने सोचा कि अच्छा सा डिनर थ्रो करते हैं, इसने बुलाया, इसका घर यहाँ पास में भागसुनाग में। और ये तू बना क्या रहा है, तू ये डिनर करा रहा है कि नहीं, थ्रो कर रहा है, पैसे तो पहली तारीख को आने। मैं तेरे को तो गाइस अभी हम डिनर करेंगे, उसके बाद ट्रैक करेंगे। अभी हम ट्रैक करके नीचे आए थे, अभी मैंने फ़ोन चार्ज किया है, चार्जिंग से लगा ही हुआ है, सो आई गो अप एंड देन आई टॉक टू यू। केटी कैसा पानी है बता? This is the most fresh water in everywhere. थोड़ा कॉन्शियस होता है, मेरे दोस्त को आदत नहीं है कैमरा की, बट बेसिकली वाज टेलिंग कि जब से यहाँ पे रह रहा है ये यहीं से पानी पीता है, सारे लोकल्स यहीं का पानी लेते हैं, और ये इतना अच्छा पानी है क्योंकि सीरियसली इतना अच्छा पानी है मैक्लोडगंज में ये वाला। अगर आए होंगे भक्सू वहाँ पे, अगर आप अभी तो यहाँ पूल वूल बंद है, तो गाइज यहाँ का जो पानी है वो सबसे स्वादिष्ट है, प्लस ये कह रहा था कि बड़ा हीलिंग वाटर है, तो मैंने भी ट्राई किया, अब देखते हैं आज हील होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल इसके रूम में जा रहे हैं और उसके बाद हम बाइक लेके बैक, कल का प्लान अभी डन नहीं हुआ है बट हो जाएगा, अंधेरा हो रहा है, मेरे पास रोशनी नहीं है। बाय गाइस।